एक बहुत दूरगामी सोच के साथ केंद्र सरकार भारतीय सेना के लिए ये स्कीम लेके आई है। अब ये सेना जो आज से 200 वर्ष पूर्व की सेना और 100 वर्ष की पूर्व की सेना और 50 वर्ष पूर्व की सेना और आज की सेना में बहुत बड़ा फर्क है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गए हैं, नए इक्विपमेंट आ गए हैं और आपने देखा होगा कि तकनीकी एकदम बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आपने फाइटर प्लेन्स को देखा होगा, पहले फाइटर प्लेन आज से 25 साल पहले सेकेंड जनरेशन के थे, थर्ड जनरेशन के आए, सुखोई फोर्थ जनरेशन का था, राफेल 4.5 जनरेशन का है, अब बात चल रही है फिफ्थ जनरेशन की। इसी तरीके से तकनीकी बदलाव के कारण साथ साथ हमारी सेना में जो मैन पावर की पॉलिसी उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव लाया जाता है। देखिए, हमारे देश के पास संसाधन बड़े सीमित हैं, लगभग 40 बिलियन डॉलर का हमारा रक्षा का बजट है और इसमें से अधिकांश बजट पूर्व सैनिकों की पेंशन में और पूर्व सैनिकों की सुविधाओं में चला जाता है। तो मैं अपने विषय में ही बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत युवा के क्षेत्र युवा वर्ष में फौज में चला गया था और मैं युवा ही अवस्था में फौज में लगभग 6 वर्ष की नौकरी करने के बाद बाहर आ गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फौज की नौकरी करने के बाद मुझे कभी भी कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो मुझे नौकरी पाने में कोई दिक्कत हुई, ना मुझे सामाजिक क्षेत्र में आने में कहीं कोई दिक्कत हुई। और बहुत अच्छी स्कीम थी। आप चाहे इसराइल की सेना देख लीजिए, चाहे वो आप यूरोपियन सेना देख लीजिए, चाहे वो कहीं जहाँ अच्छी सेना जिनको माना जाता है, वहाँ पर बहुत कम समय में लोग युवा अवस्था में अपनी सेना को सेवाएं देते हैं और सेना को सेवा देने के बाद वो बाहर निकल आते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो स्कीम आई है वो 4 वर्ष तक किसी भी युवा को सेना में भर्ती किया जाएगा, सेना में उसको नौकरी दी जाएगी, सेना में नए अलग अलग जो विंग हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, वहाँ वो सीखेंगे। अगर उनका स्किल बहुत अच्छा लगता है तो उनको परमानेंट सेना में ऑब्जॉर्व कर दिया जाएगा, अगर नहीं करता है तो उनके भविष्य के कैरियर को दिमाग में रखते हुए उनको एक निश्चित पैकेज दिया जाएगा, 12 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। और प्लस हमारे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कहा है कि उनको हम उत्तर प्रदेश में PSC है, आर्म फोर्सेज हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें उनको एब्जॉर्व कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं की ऊर्जा को टैप करने के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है और युवाओं से भी मैं आह्वान करता हूँ कि कतई भी विपक्ष के बरगलाने में ना आए, इस स्कीम को स्वीकार करें और ये स्कीम उनके भविष्य को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की स्कीम है। फौज में आए, फौज में नौकरी करें और देश सेवा में एक सुनहरा अवसर है, उसको जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री हैं और रामपुर में वर्तमान समय में उपचुनाव हो रहा है, जिस तरीके से जो राजनीति है या वक्तव्य बोले जा रहे हैं, चाहे वो आज़म खान की तरफ से हों चाहे या आज़म खान के अपोजिट नवाब ख़ानदान की तरफ से हों, छजूंदर किन्नर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो आप भी जो है राजनीति में तो किस तरीके से आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जितना भी राजनीति में शब्दावली का बहुत सहमित तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि होता है चाहे वो जिले स्तर का हो, चाहे वो नगर स्तर का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, उनको अपनी भाषा का सहमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और आज़म खान तो वैसे भी अपनी एक अलग तरीके की भाषा के कारण विख्यात है, तो उनका ऐसा बोलना मैं समझता हूँ कि कहीं पर इसमें बहुत बड़ा आशय। अच्छा, आज भी उन्होंने एक चैनल का इंटरव्यू दिया है जिसमें जो BJP के जो कैंडिडेट हैं अपने रामपुर से चुनाव में उनको बड़ा घटिया बताया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत लंबे समय तक रहे, वो यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य रहे, तब वो बहुत अच्छे थे। अब वहाँ की नीतियों और वहाँ के नेताओं की नीतियों के कारण त्यागपत्र देके भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उन्होंने ग्रहण कर लिया तो वो घटिया हो गए। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने ऊपर ही लांछन लगा रहे हैं, कोई वो नहीं है। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का चुनाव चल रहा है और निश्चित रूप से अब की बार रिकॉर्ड मतों से सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।